Most welcome on my academy channel. Today I start new subject analog electronics, and this subject is very helpful for very important in GATE exam, IAS, BSNL, TTA, DMRC, Noida Metro NMRC, and other PSU exam like BEL, SAIL, etc, SSCJ, सबसे पहले हम देखते हैं बेसिक कुछ डिफिनीशन, जैसे व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक सर्किट एंड एडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट एंड टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट एंड पावर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट. तो व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, सर्किट विच कंसिस्ट व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक सर्किट A circuit which consists of at least one electronics device is called electronic circuit. Is called electronic circuit. Electronic device, example of electronic device is diode, transistor, amplifier, FET, oscillator, rectifier etc. आगे हम सभी केस देखेंगे, डायोड, ट्रांजिस्टर, एम्पलीफायर एंड एफईटी, ऑसिलेटर, एक एक करके सभी टॉपिक को हम देखेंगे. इस लेक्चर में हम सिर्फ बेसिक डिफिनीशन एंड टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट एंड पावर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट ही देखेंगे. तो टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स सर्किट, टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स सर्किट, देयर आर थ्री टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट. इलेक्ट्रॉनिक सर्किट फर्स्ट टाइप एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, बी द डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, एंड सी इज द मिक्स सिग्नल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट. मिक्स सिग्नल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट मीन्स एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर और डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर. एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर एंड डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के पार्ट में हम देखेंगे, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट में. और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट आप कुछ वीडियो है वेबसाइट पर आप देख लीजिए और आगे हम डालेंगे यूट्यूब पर. इसमें हम एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट की चर्चा करेंगे क्योंकि हम एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट ही पढ़ रहे हैं. थर्ड वन इज व्हाट इज एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट. एनालॉग व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक सर्किट. इलेक्ट्रॉनिक सर्किट एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट व्हिच कैन प्रोसेस एनालॉग सिग्नल इज कॉल्ड एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, और which deal with analog signal is called analog electronic circuit. Example of analog electronic circuit is amplifier and rectifier. हम पहले भी electronic circuit के definition में हमने देख लिया था कि amplifier, rectifier, FET, oscillator, rectifier and transistor, diode सभी analog electronics circuit के ही example हैं. एंड नेक्स्ट पॉइंट इज एडवांटेज ऑफ एनालॉग सर्किट. एडवांटेज नंबर वन, मेजोरिटी ऑफ रियल टाइम सिग्नल
majority of real time signals are analog. Analog. Majority of real time signal means signal are analog means जैसे कि मैं बोल रहा हूँ अभी या आप बात करते हैं किसी से कम्युनिकेट करते हैं वो सभी रियल टाइम सिग्नल होते हैं और वो एनालॉग में ही होते हैं. एनालॉग दे डायरेक्टली प्रोसेस इन एनालॉग सर्किट मींस मेजोरिटी ऑफ रियल टाइम सिग्नल इज एनालॉग एंड दे कैन डायरेक्टली प्रोसेस इन एनालॉग सर्किट. दिस इज वन एडवांटेज. और एनालॉग प्रोसेस रिक्वायर्ड डिजिटल टू एनालॉग एंड एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन. ये हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में देखेंगे उस समय. एंड सेकेंड एडवांटेज इज एनालॉग सर्किट कैन प्रोसेस सिग्नल हैविंग ग्रेटर पावर लेवल एंड पावर सप्लाई. नेक्स्ट टॉपिक पावर सप्लाई ऑफ एनालॉग सर्किट. पावर सप्लाई ऑफ एनालॉग सर्किट एन एनालॉग सर्किट सिस्टम विच कन्वर्ट एसी पावर इनटू डीसी पावर बिकॉज ऑल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट वर्क ऑन ए डीसी पावर मींस यूज इन एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट इज डीसी पावर. एंड फर्स्ट डीसी पावर फर्स्ट जो हम इनपुट लेते हैं इज एनालॉग इनपुट दिस द साइनसोडियल वेव एंड दिस द एसी प्योर एसी. प्रॉपर्टी ऑफ एसी सिग्नल प्योर एसी प्रॉपर्टीज प्योर एसी फर्स्ट में पीरियोडिक दिस द पीरियोडिक वेरिएशन. अब यहाँ देखिए वन पीरियड के बाद रिपीटेशन हो रहा है ये सिग्नल का है मीन्स द पीरियोडिक सिग्नल. एंड बी द बाई डायरेक्शनल मीन्स बोथ डायरेक्शन इन द निगेटिव साइड एंड पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स ऑन द एक्स एक्सिस वाई एक्सिस इज कॉल्ड बाई डायरेक्शनल. बाई डायरेक्शनल ए डायरेक्शनल एक्टिव पैसिव हम सब आगे देखेंगे. एंड जीरो एवरेज थर्ड इज द जीरो एवरेज और डीसी वैल्यू जीरो डीसी वैल्यू मींस इन एसी प्योर एसी सिग्नल वैल्यू ऑफ डीसी सिग्नल इज जीरो एंड एवरेज वैल्यू ऑफ डीसी प्योर डीसी एसी सिग्नल इज जीरो मींस एवरेज मींस दिस पॉइंट यहां से यहां तक आप लीजिएगा इसका इंटीग्रेशन या इसका एरिया निकालिएगा पॉजिटिव निगेटिव के साथ ये जीरो आएगा. फोर्थ वन इज इट हैज नो हार्मोनिक एक्सेप्ट फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी. सेकेंड पावर सप्लाई इज पल्सेटिंग डीसी सिग्नल मीन्स पल्सेटिंग डीसी सिग्नल मीन्स प्रॉपर्टी ऑफ पल्सेटिंग डीसी सिग्नल इज पीरियोडिक एंड यूनि डायरेक्शनल मीन्स वन ही डायरेक्शन में होगा यानी कि निगेटिव में नहीं होगा इधर सिर्फ ये राइट साइड ही होगा सिग्नल. और नॉन एवरेज जीरो मतलब अगर आप कहीं से भी आप एवरेज लेते हैं यहाँ से यहाँ तक या यहाँ से सभी वैल्यू पॉजिटिव में है मींस आपका एवरेज जो वैल्यू आएगा वो जीरो के इक्वल नहीं आएगा. और कंटेनिंग हार्मोनिक इसमें हार्मोनिक सिग्नल इंक्लूड होता है. कुछ पॉइंट देख लीजिए पल्सेटिंग डीसी में पीरियोडिक वेरिएशन इन पल्सेटिंग डीसी पावर सप्लाई. पल्सेटिंग डीसी इज कंसिडर टू बी द कॉम्बिनेशन ऑफ एसी एंड डीसी बिकॉज पीरियोडिक वेरिएशन रिप्रेजेंट प्रजेंट ऑफ एसी कंपोनेंट एंड नॉन जीरो एवरेज रिप्रेजेंट प्रजेंट ऑफ डीसी कंपोनेंट. हैंस पल्सेटिंग डीसी इज कंसिडर टू बी कॉम्बिनेशन ऑफ एसी एंड डीसी. एंड थर्ड वन पावर सप्लाई इज प्योर डीसी. फर्स्ट वन इज अ प्योर एसी सेकेंड वन इज अ पल्सेटिंग डीसी एंड थर्ड वन इज अ प्योर डीसी. प्योर डीसी मीन्स आइडियल डीसी वोल्टेज लाइक दैट इज द प्योर डीसी.
In the case of pure DC means no variation with time. अब देखिए टाइम के अगर टी टाइम है तो इसके कोई वेरिएशन नहीं होगा, बट इन अ प्रैक्टिकल सर्किट प्योर डीसी इज नॉट अप्लीकेबल एंड इन अ प्रैक्टिकल केस द प्योर फ्लक्चुएटिंग डीसी इज द फ्लक्चुएटिंग डीसी सप्लाई दिस द प्रैक्टिकली यूज अ रेगुलेटर पावर सप्लाई इज एन इंटरकनेक्शन ऑफ रेक्टिफायर फिल्टर एंड अ वोल्टेज रेगुलेटर। अगर किसी पावर सप्लाई अगर आप किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को देते हैं और बेसिकली पावर सप्लाई जो होता है उसमें आपको इनबिल्ट रेगुलेटर पावर सप्लाई जो होता है उसमें कनेक्शन होता है एक दूसरे के साथ, रेक्टिफायर फिल्टर एंड वोल्टेज रेगुलेटर होता है। जो एक मैं आपको सर्किट बनाकर दिखाता हूँ, दिस अप्लाई प्योर एसी एंड दिस द सर्किट रेक्टिफायर 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 इज कन्वर्ट प्योर एसी इंटू डीसी सिग्नल मीन्स द आउटपुट ऑफ रेक्टिफायर इज अ पल्सेटिंग डीसी। पल्सेटिंग डीसी मीन्स एसी प्लस डीसी, कॉम्बिनेशन ऑफ एसी एंड डीसी सिग्नल। जस्ट आपने देखा था थोड़ा देर पहले। दिस इज द फिल्टर, फिल्टर इज अ फिल्टर आगे के हम देखेंगे सभी रेक्टिफायर और फिल्टर। फिल्टर इज अ सेलेक्टिव नेटवर्क, सेलेक्ट द एबव पावर ऑफ द कट ऑफ फ्रिक्वेंसी एंड लोअर पावर एंड पास एंड ब्लॉक द सिग्नल। आप उस सारी कंडीशन हम आगे देखेंगे। दिस इज अ वोल्टेज रेगुलेटर, दिस इज अ फ्लक्चुएटिंग दिस द फ्लक्चुएटिंग डी सी एंड द आउटपुट ऑफ वोल्टेज रेगुलेटर इज अ रेगुलेटेड और स्टेबल डी सी। मीन्स इन अ पावर सप्लाई द डायग्राम ऑफ पावर सप्लाई। इस टॉपिक में हम इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, डोंट प्लीज डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।